हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास एट डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू अनदर न्यू टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इन सिविक्स। आवर न्यू टॉपिक इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। नाउ वी स्टार्ट। इंडिया हैज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हेंस एवरी एडल्ट सिटीजन कैन वोट नो मैटर व्हाट हिज आर हर रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, वेल्थ, सेक्स आर लेवल ऑफ एजुकेशन मे बी। मोर ओवर एवरी पर्सन्स वोट कैरीज इक्वल वेट रिगार्डलेस ऑफ हिज आर हर सोशल आर इकोनॉमिक स्टेटस। नाउ भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोगों को प्रदान किया गया है, इसलिए यहाँ के प्रत्येक एडल्ट सिटीजन को, एडल्ट सिटीजन मतलब वो व्यक्ति जो 18 साल या उसके ऊपर है, उन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया है, चाहे वो जिस नस्ल के हों, धर्म के हों, चाहे जो भाषा बोलते हों, चाहे जिस जाति के हों, चाहे गरीब हों या अमीर हों, चाहे महिला हों या पुरुष हों, या लिटरेट हों या इलिटरेट हों, पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, सबको वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया है। और प्रत्येक व्यक्ति के वोट का बराबर मूल्य है, चाहे वो किसी भी सोशल या इकोनॉमिक स्टेटस के हों। ठीक है। नाउ आवर सेकंड टॉपिक इज फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, मौलिक अधिकार और कर्तव्य। India's constitution gives all Indian citizens certain rights which are considered essential for their well-being. These rights are called fundamental rights. भारत के संविधान ने प्रत्येक भारतीय नागरिक को कुछ निश्चित अधिकार प्रदान किए हों जो कि उनके जीवन के लिए, उनके जीवन व्यतीत करने के लिए, कुशलता के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इन्हीं राइट्स को, इन्हीं अधिकारों को हम लोग मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट कहते हैं। दीज राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट्स। और इन अधिकारों की गारंटी हमारा संविधान देता है और ये अधिकार कोर्ट के द्वारा, मतलब न्यायपालिका के द्वारा लागू किए जाते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति आपके अधिकारों का हनन करता है तो आप कोर्ट की शरण में अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जा सकते हैं। जैसे कि आपका एक अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, प्रत्येक बालक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। नाउ नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो मेंशन सर्टेन ड्यूटीज दैट एवरी सिटीजन इज एक्सपेक्टेड टू डू फॉर द इंडियन। दीज ड्यूटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल राइट की तरह कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, मतलब मौलिक कर्तव्य भी हैं, जो कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो भारत का अगर नागरिक है तो वो अपने देश के लिए कुछ करे। क्या करे? ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हमें प्रदान किए गए हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने राष्ट्र के जो प्रतीक चिन्ह हैं, नेशनल फ्लैग हैं और राष्ट्रगान हैं, या जो हमारे सार्वजनिक स्थल हैं, सड़क हैं, पार्क हैं, इन सब की वो सुरक्षा करेगा, इन्हें वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इन्हीं ड्यूटीज़ को हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, टू क्वेश्चन फॉर यू एज अ होमवर्क। द फर्स्ट इज What are fundamental duties? And second is, which rights of Indian citizens can be enforced by the courts? Thank you.